हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं शिवांशी थापा, आशा करती हूँ आप लोग होंगे ठीक, क्योंकि मैं हूँ ठीक। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे हम लोग प्रशिक्षण के तृतीय दिवसीय प्रशिक्षण में गौरीहाट पंचायत घर में जा रहे हैं, और वहाँ आज हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल हो चुका है, आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। वहाँ पर हमें मुख्य बिंदुओं पर जानकारी दी जा रही है, स्वच्छता के बारे में और स्वास्थ्य संबंधित बातें, और ये पर्यावरण हर चीज़ दूषित नहीं करनी चाहिए, और स्वच्छता साफ सफाई सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को वहाँ बताया जा रहा है। तो अभी हम तो रास्ते पर हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम लोग प्रशिक्षण जहाँ हो रहा है उस जगह पर, फिर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए बने रहें। छोटे बच्चे पता चलते ही जो जो टीके सबको पता है, आशा का बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से टीके लगने हैं, क्या होना है। मैं चाहती हूँ कि कोई 16 साल तक के जितने भी टीके हैं, कोई भी बच्चा उन टीकों से वंचित ना रहे। जिसको भी पता चलता है गांव में, जिसको भी पता चलता है कि ये इस बच्चे को टीका नहीं लगाया, तो वो आके हमें बताएं और हम उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें। जो भी वैसे सबसे छोटी इकाई उपकेंद्रीय है, यहाँ पे उपकेंद्र गांव से वो होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को वो स्वास्थ्य सुविधाएं दें। गर्भवती महिला और बच्चों के लिए सुविधाएं हो, जैसे लाइट पानी मेल होता है। बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ना पीने को पानी होता है और ना लाइट होती है। कभी कभी बच्चों को टीकाकरण के बाद ना गर्मी सी लग जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, तो उनके लिए लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, घर लगा होना चाहिए, और सेंटर ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर सारी सुविधाएँ पहुँच चुकी, ताकि वहाँ पर जो भी हमारे पास रोग है और व्यवस्था कर सकें। काम वो कर रही है, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पत्नी काम कर रही है, काम में पत्नी है, तो पति नहीं जाना चाहिए, पति को नहीं जाना चाहिए। अगर बाय चांस अगर पत्नी कुछ नहीं जा सकती है, तो जाए। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी औरतें, जो महिलाएं जहाँ भी जा रही हैं, जो भी कर रही है, खुद अपने उसमें बलबूते में होना चाहिए कि मैं खुद कर सकती हूँ, किसी का सहारा लेने की कोई, अगर जब वो खुद कर सकती है तो किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों है जरूरत लेने की उनको, क्या खुद नहीं कर सकती? और सब जगह जेंट्स जा रहा है, जब सब कुछ जेंट्स कर रहा है तो औरतें नहीं कर सकती। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब मैं खुद अभी मैं आशा बनी हूँ, लेकिन मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, घर से मिला है सपोर्ट, लेकिन मैंने कहीं भी और कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी काम किया तो मैंने खुद ही किया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने बच्चों के से पहले ही आशा में ज्वाइन किया था। मेरे छोटे 22 दिन की मैं ट्रेनिंग में गई थी, जब मेरी लड़की 22 दिन की थी तब भी गई थी। मैं भी अगर कहती थी मेरी 22 दिन की लड़की है, मेरा पति जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा इतना ही कहना था। और कल जो ये बताया सब लोगों ने, इसमें बताया सबसे पहले गर्भवतियों के बारे में, गर्भवतियों की कितनी जांच होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, और फिर बताया था बच्चों के बारे में, बच्चों को कितने टीके लगने चाहिए। बच्चों को 16 साल तक टीके लगते हैं, और बताया था ये गांव की समस्याएं, आत्म वो होना चाहिए, लड़कियों को भी शक्ति का वो करना चाहिए अपने में, और ये नहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और पानी वानी का भी जो भी साधन है इसके लिए, आप लोग पीने का साधन के लिए भी बताया था, पानी इकट्ठा करना जो भी है, जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ बारिश के पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं। और बताया था ये महावारी के टाइम में लड़कियों को मुझे लगता तो यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, अगर हम सपोर्ट करें क्या पता गांव में भी लग जाए, गांव में एक जैसे एक मशीन लग जाएंगी तो हमें क्या है कि 1 रुपया हम दे सकते हैं। गाँव वाले हर अगर महिलाएं 1 रुपये दे तो वो मशीन जैसे खराब हो जाए बाद में सुधारने का काम कर सकती हैं, ये होना चाहिए। और घर घर जो पानी की सुविधा है पीने के लिए, तो मतलब घर घर वो अपने जो जैसे गरीब आदमी तो घर में अपनी मशीन ही लगा सकता है ना। जैसे हम चाहेंगे कि एक मेन जगह में एक मशीन लग जाए, उस टाइप में बताया था सर लोगों ने, बस इतना ही कराऊंगी। धन्यवाद। चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पर बैठ के दिखाया है उस सबके लिए तो आपके लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ठहरी है इतने घंटों तक किसी इंसान को सुनना, है ना।
तो मैं आज जो हमने इन तीन दिनों में बहुत सारी थीमों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेके हम यहाँ आए हैं वो है हमारा गांव। गांव हमारा मेन चीज है जिसके ऊपर सारी चीज रखी हुई है, नौ चीजें टोटल गांव के ऊपर। अब एक चीज जो छूटी हुई है वो है स्वच्छता के ऊपर हमने बात कर ली, महिला के ऊपर हमने बात कर ली, बच्चों के ऊपर हमने बात कर ली, न्याय और सुशासन के ऊपर हमने बात कर ली, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, वो है हमारा गांव हरा भरा कैसा रहे। अब सब चीजें तो हो गई, तो उसको गांव को हरा भरा रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए हमारे क्या चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो देखो आप लोग गांव में रहते हैं, आप गांव की महिलाएं, गांव से बाहर भी जाते हैं आप काम करिए, दोनों जगह का अंतर आप लोगों को पता है। गांव में ये चीजें हैं तो शहर में ये चीजें है ना। गाँव में फिर भी मैं तो अपनी तरफ से कहूंगी ये बात कि गाँव में फिर भी स्वच्छता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जो शहर में है वो कूड़ा उठाया वहीं पर फेंक दिया, घर के आगे एक कूड़ादान सरकार रखते जा रही है, कूड़ेदान के अंदर भी बाहर ही गिरा रहता है सब, है ना। लेकिन गांव में फिर भी कम दिखता है, कम है ना, क्योंकि वो गांव में या तो गाय के लिए प्रयोग हो जाएगा, या मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा ना कि वो लोग गड्ढा बना लेते हैं, और जैसे अभी माल्टे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसकी छिपका उसमें डाल देंगे, बंद कर देंगे, फिर से वो एक खाद जैसा बन जाएगा ना, जो शहरों में होता है। तो मेरे हिसाब से तो गांव फिर भी साफ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब गांव के अंदर पहुंच चुकी हैं, उसे गंदा करने के। सबसे पहले तो हमारा प्लास्टिक ही हो गया, दूसरे हमारे प्लास्टिक तो हमारा आजकल बहुत काम कर रहा है, प्लास्टिक जलाने के लकड़ियां जलाते हैं वो सबसे ज्यादा जहरीला होता है। हम ताजा थोड़ी आता हम तो कहते यार ला यार आग नहीं जल्दी पोल्थीन ला, ढूंढ ढूंढ के लाते पूरे पैर भी उसके, ठीक है वो प्रदूषण तो कर ही रहा किसी न किसी तौर पे। दूसरा देखो पहले तो हम हमारी महामारी थी, हम कपड़ा यूज करते थे, कपड़ा गंदा हो गया फेंक गया में चला गया फिर वो मिल गया, लेकिन अब जो हमारा पैड है ये एकदम से डिस्पोजल नहीं होते हैं, इसको बहुत टाइम लगता है जो इसके अंदर का प्लास्टिक ऊपर। तो ये भी चीजें हमारे गाँव के अंदर पहुंच चुकी है ना, ये भी गंदा करती है। दूसरी चीज क्या देखो मेन चीज क्या है ना, अब आजकल जैसे पहले तक शौचालय खेतों में चले जाते थे फिर वो खाद बन गए, अब ऐसा भी नहीं है, अब तो शौचालय है, पीठ है, ये सब चीजें बन गई ना, जो हमारे स्वच्छ हमारा गांव साफ है इसलिए, है ना। मैं तो लेकिन थोड़ा सोचती हूँ कि नेचुरल जो हमारा पहले का प्रोसेस था फिर भी ठीक ही था, ये शौचालय और इससे मतलब ठीक है कि शौचालय बन गया है, लेकिन पहले नेचुरल पहले अच्छा नहीं था, लेकिन ये था ना, ये था कि जैसे तुम्हारा गटर है, अब तुमने खुला गटर है, तुम्हारा खुला नाली है, सबसे ज्यादा गंदगी देखो यहाँ तो अब पिथौरागढ़ में केसेस आ गए डेंगू के, आज तक केसेस नहीं थे, तो ये डेंगू पहुंचा कैसे यहाँ, ये भी तो देखो हमारे जो गाँव में शहरों में नाली है ना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज हमारा ट्रेनिंग का तीसरा दिन था जो आज समाप्त हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ की सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी त्रिदिवसीय ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है, तीन दिन की ट्रेनिंग चली थी यहाँ पर। वो पीछे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष भी भागीदार हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैम लोग वगैरह बैठे हैं सभी। तो गाइस अब हो चुकी है ट्रेनिंग समाप्त, तीन दिवसीय ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं सारे अब अपने अपने घर की तरफ को निकल रहे हैं। भाई देखो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं, यहाँ पर काम भी चल रहा है, ये पंचायत भवन के ऊपर हॉल बन रहा है, तो और कुछ लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गई क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी दोस्तों आप लोगों के लिए। और देखते हैं कहाँ चलते हैं और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, ये गौरीहाट की मार्केट है, ये यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर चीज़ें
फल फ्रूट साग सब्जी सभी कुछ है। कल भी दिखाया था मैंने आपको वीडियो में, और दिखाती हूँ आपको आगे चल के। तो आप बने रहे हमारे साथ। ये रही दुकानें, यहाँ पर ये दुकानें हैं। ये कार रुक चुकी है यहाँ पर, अभी इतने सारे लोग कार में बैठेंगे हम लोग। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, यहाँ छोटा सा जैसे कोई ये रहा मंदिर, ये जय नागार्जुन स्वामी जी का मंदिर है। ये आप लोग देख सकते हैं गौरीहाट में नागार्जुन मंदिर है। और ये रही गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट भी है और स्टेशन दोनों है। हाँ हाँ बन रही है। तो गाइस जा रहे हैं हम, अब ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है 3 दिवसीय, तो अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल। कार रुकी थी हम लोगों के लिए, तो मेरे साथ की मेरी साथी थी, इसको सामान वगैरह लेना था, सब्जी वगैरह, रोज़ रोज़ सब्जी लेती है, तो इसके लिए मुझे रुकना पड़ा, तो मुझे कार को बाय बाय बोलना पड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल ही, तो आपको पता ही है कि पैदल पाँव भी अच्छे रहते हैं अपने, सब कुछ अच्छा रहता है, तो पैदल चलना सेहत के लिए लाभदायक भी। पैदल ज़्यादा भी न चलो तो सुबह शाम मेरे हिसाब से तो मतलब पैदल चलना ही चाहिए, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को वॉकिंग ही कर लो हल्की फुल्की, ताकि आपकी जो घुटने हैं सही रहे, पाँव सही रहे। और आजकल क्या हो गया है दोस्तों, कोई भी अपने पाँव को कष्ट देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? अभी बाइक हो गए हैं, गाड़ियाँ हो गई हैं वगैरह, सब कुछ हो गया है, तो सारे अपने घर तक ही 2 पहिए वाले में निकल पड़ते हैं। तो उससे क्या हो गया है कि उन लोगों को गठियाबाद ज़्यादा हो गया है। पाँव को थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, थोड़ा पाँव चलेंगे तभी तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, सब कुछ शरीर में फिट रहेगा। अब चलना ही छोड़ दोगे आप लोग तो एकदम से अपाहिज हो जाओगे। तो मेरा मानना तो यही है कि दोस्तों थोड़ा बहुत चल भी लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आगे क्या बोलूँ आप लोगों से, आप लोग ज़्यादा ही समझदार हैं। और ये एक छोटी सी बच्ची ट्यूशन जाती है रोज़ रोज़, अकेले ट्यूशन जाती है ये बच्ची, मुँह छुपा रही है अपना, रोज़ इधर ही मिलती है हमको, अकेले ट्यूशन जाती है बेचारी, कोई साथ का भी नहीं है इसके जो इसके इसका साथ दे, मतलब ट्यूशन वगैरह जाने में, वहाँ से ये अकेले ही अप डाउन करती है ट्यूशन जाने के लिए। पीछे आ रही है एक कार, पता नहीं किसकी है, ये छोड़ के गए, देख सकते हैं एक कार को मिस किया, दूसरी कार मिल गई, तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो गाइस अब वीडियो को करती हूँ समाप्त। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के लिए फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।